आधार कार्ड और पैन कार्ड ले करके बैठ जाइए और इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए आप अपना पाँच मिनट के अंदर डीमेट अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको अपस्टॉक्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है इस एप्लीकेशन का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहां से डायरेक्टली क्लिक करके प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं जैसे ये एप्लीकेशन आपका इंस्टॉल हो जाएगा इसके बाद आपके सामने यहां पर ओपन का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर थोड़ी सी वेट करना है इंस्टॉलेशन होने तक इसके बाद आपको यहाँ ओपन पर क्लिक कर लेना है जैसे यहाँ ओपन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको क्रिएट अ न्यू अकाउंट का ऑप्शन मिल रहा है इस पर आपको क्लिक करना है अगर आपको एक नया अकाउंट क्रिएट करना है तो सिंपली यहाँ क्लिक किए इसके बाद यहाँ पर आपको अपना ई मेल और मोबाइल नंबर इंटर कर लेना है इसके बाद सिंपली आपको सेंड ओ पर क्लिक कर देना है इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओ आएगा उस ओ को यहाँ पर इंटर कर लेना है जैसे आप ओ टी कर लेंगे इसके बाद साइन अप पर क्लिक कर देना है जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर कुछ स्तर का इंटरफेस मिलेगा यहाँ पर आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड का जरूरत पड़ने वाला है ये चीज़ बोल रहा है तो सिंपली आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है कंटिन्यू पर क्लिक किए इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड का नंबर और डेट ऑफ बर्थ इंटर कर लेना है दोनों चीज़ें इंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है इसके बाद यहाँ पर आपको अपने बारे में डिटेल्स थोड़ा सा दे देना है जैसे कि आपका जेंडर क्या है मेल या फिर फीमेल वो सिलेक्ट कर लीजिए इसके बाद आपका मेरिटल स्टेटस क्या है सिंगल हैं या फिर मेरिड वो सिलेक्ट कर लीजिए इसके बाद आपका एनुअल इनकम क्या है आप सालाना कितना कमा लेते हैं एक लाख या एक लाख से कम या उससे ज़्यादा तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए इसके बाद सिंपली आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस क्या है आप कितने साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर अगर आप नए हैं तो पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज तो यहाँ पर जनरली नो no पर क्लिक कर दीजिए इसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए इसके बाद आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए कि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं पब्लिक सेक्टर में हैं बिजनेसमैन हैं स्टूडेंट हैं रिटायर्ड हैं तो वो आप यहाँ पर से अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए इसके बाद यहाँ पर आपको पूछ रहा है इज़ योर कंट्री ऑफ टैक्स रेसिडेंसी इंडिया तो यहाँ पर सिंपली आपको येस पर क्लिक कर देना है इसके बाद आपको नीचे की तरफ और इस्क्रॉल डाउन करना है फिर यहाँ पर टैक्स पेयर डिक्लेरेशन आएगा इसको पढ़ करके इसे चेक बॉक्स पर चेक कर देना है इसके बाद आपको सिंपली नीचे की तरफ़ नेक्स्ट पर क्लिक करना है नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर आप अपना एड्रेस देख लीजिए अगर आपका ये एड्रेस सही है तो यस दिस डिटेल्स आर करेक्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाइए इसके बाद आपको इस बॉक्स में अपना एक डिजिटल सिग्नेचर कर लेना है सिग्नेचर कर लेने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है फिर यहाँ पर कैमरे का एक्सेस मांग रहा है कैमरे का एक्सेस देने के लिए सिंपली आपको नीचे की तरफ नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है फिर आपका कैमरा ऑन हो जाएगा यहाँ पर आपको अपना एक फ़ोटो क्लिक कर लेना है फ़ोटो अगर सही है तो आपको सिंपली एक्सेप्ट पर करना है क्लिक अगर आपका फ़ोटो सही नहीं आया है तो टेक अनदर पर क्लिक कर सकते हैं तो चलिए मैं एक्सेप्ट पर क्लिक कर लेता हूं इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं फिर से आपको यहां पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर इंटर बैंक डिटेल्स पूछ रहा है तो यहां पर आपको अपना बैंक का डिटेल्स दे देना है जैसे कि यहाँ पर आपको अपने बैंक में जो भी नाम है अपना नाम यहाँ पर इंटर कर दीजिए इसके बाद आई कोड बैंक अकाउंट नंबर इसके बाद फिर से आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर इंटर करना है इसके बाद आपको अपने बैंक का टाइप सेलेक्ट कर लेना है अकाउंट टाइप कि आपका सेविंग है या फिर करेंट इसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है इसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करना है तो यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी आई इंटर कर लीजिए इसके बाद आपको गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है इसके बाद आपके मेल आईडी पर एक ओटीपी आया होगा उसको यहाँ पर इंटर करके नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए फिर यहाँ पर साइन अप फॉर फ्री यानी कि फ्री में अकाउंट खुल रहा है तो सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है इसके बाद नीचे की तरफ आपको येस yes पर क्लिक करना है इसके बाद आपको फिर से यहाँ पर नीचे की तरफ़ नेक्स्ट पर क्लिक करना है फिर आपको यहाँ पर सेकेंड वाले ऑप्शन पर ही टिक रहने देना है और सिंपली आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है मेक श्योर sure कि आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए अगर लिंक है तो सिंपली आपको आधार ओ पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर ई साइन नाव का ऑप्शन मिल रहा है आपको फिर से यहाँ पर ई साइन नाव पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने एन एस डी एल का एक साइट आ जाएगा यहाँ पर आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है इसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर इंटर कर लेना है फिर आपको सेंड ओ टी पी पर क्लिक कर देना है अब आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओ टी पी आया होगा उस ओ टी पी को यहाँ पर इंटर कर लेना है फिर आपको वेरीफाई ओ टी पी पर क्लिक करना है जैसे आप यहाँ पर वेरीफाई ओ पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम तीन दिन का टाइम लगेगा जनरली दो दिन में हो जाता है यहाँ पर आपको अपना डाउनलोड कर लेना है जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया है उसका आप यहाँ पर डाउनलोड लिंक मिल रहा है इस पर आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन चार स्टेप एक दो दिन में कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद आपको लॉगिन डिटेल्स आपके इसी ईमेल आईडी पर जो आपने अभी ईमेल आईडी इसमें दिया है उसी मेल आई पर और मोबाइल नंबर पर यूज़र आई और पासवर्ड दोनों आपको यहाँ पर मिल जाएगा तो फिलहाल अभी आपको कुछ नहीं करना है स्क्रीन ऑफ़ कर दीजिए ये वाला इसके बाद दो दिन के बाद जब आपका यूज़र आई और पासवर्ड मिल जाए तो वापस से आप इस एप्लीकेशन को ओपन कीजिए इसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर वाले नहीं बल्कि लॉगिन पर क्लिक करना है लॉगिन पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड डाल देना है जो आपके मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर आया होगा डालने के बाद आपको साइन इन पर क्लिक कर देना है जैसे आप साइन इन पर क्लिक करेंगे आप अप स्टॉक के होम पेज में इस तरह से लॉग इन सक्सेसफुली हो जाएंगे तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि अप स्टॉक पर डिमेट अकाउंट क्रिएट करना कितना आसान है आई होप कि इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया अगर फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक डिमेट अकाउंट क्रिएट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा वहां से आप डायरेक्टली क्लिक करके प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं वीडियो पूरा लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत